बिल्कुल। तो आज हम पढ़ेंगे पर यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर यूनिट का मतलब क्या है, ये क्यों यूज़ हो रहा है या हमें क्यों पढ़ना है। तो पर यूनिट बेसिकली हमें पता है कि हम जब जनरेशन कर रहे थे और ट्रांसमिशन जब हमारा हो करके यूटिलाइजेशन तक पहुँच रहा था, इट मीन्स इतने लंबे प्रोसेस में हमने देखा था कि हमको डिफरेंट वोल्टेज लेवल मिल रहा है। क्यों? जनरेशन किसी वोल्टेज पे हो रहा है, फिर ट्रांसफार्मर से हमको ट्रांसफॉर्म होकर वोल्टेज किसी वोल्टेज पे मिल रहा है, फिर ट्रांसमिशन किसी वोल्टेज पे हो रहा है, देन अगेन द सेम प्रोसेस गेट्स रिपीटेड। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स मिल रहे थे। अब ये तो पर्टिकुलर एक हमारे जनरेटिंग स्टेशन से एक पर्टिकुलर पावर सिस्टम का हो गया, और भी जनरेटिंग स्टेशन होंगे, सेम प्लांट में भी लगे हो सकते हैं, फिर डिफरेंट प्लांट्स में भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमें जनरेशन मिल रहा है, और ऐसे कई सारे पावर सिस्टम्स हमारे एक साथ काम कर रहे हैं। इट मीन्स कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता चला जा रहा है, कितने ज़्यादा वोल्टेज लेवल्स हमको मिलते चले जा रहा है। तो कैलकुलेशन करना किसकी, इस जनरेटर के बारे में या ट्रांसफार्मर के बारे में या ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में, इनके बारे में कैलकुलेशन करना, इनके पैरामीटर्स निकालना और इनके यूसेज को, क्योंकि हम अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से उन पर अप्लाई करेंगे, कहीं पर लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें करना, वो सारे कैलकुलेशंस करना बहुत ज़्यादा टफ होता चला जाएगा। क्यों? विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पावर सिस्टम्स, जितने ज़्यादा पावर सिस्टम्स हमारे बढ़ेंगे, इस कैलकुलेशन को करना बहुत ज़्यादा टफ होता चला जाएगा। और पहले के केस में क्या होता था, जब स्टार्टिंग हुई थी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की और कुछ छोटे छोटे पावर स्टेशन हुआ करते थे और ट्रांसमिट कर रहे होते थे, उस समय एक सिंपल सा नेटवर्क था, कैसा, जनरेटिंग स्टेशन था, ट्रांसमिशन लाइन थी, डायरेक्ट यहाँ पर यूटिलाइजेशन सेक्टर था, कोई ट्रांसफार्मर इस तरीके की चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व नहीं थी, तो बहुत सिंपल सा सिस्टम हुआ करता था बहुत इनिशियल डेज पे जब खोज हुई थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। बट आज की डेट पर हमें पता है कि डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेवल हाई हम करके चलते हैं कि उनको लॉसेस कम करने पड़ते हैं, थ्री फेज सिस्टम्स हैं वगैरह वगैरह, तो इसलिए हमको पर यूनिट सिस्टम पढ़ना पड़ता है, जो कि हमारी ईज़ ऑफ कैलकुलेशन में हेल्प करता है, हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाता है, पैरामीटर्स और चीज़ों के बारे में जानने में, जो भी कॉम्पोनेंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं पावर सिस्टम में, उनको जानने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा आइडिया कि हम पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब ये समझते हैं कि कैसे करते हैं और क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, पर यूनिट इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू दैट इज इन सम यूनिट्स, वो किसी यूनिट में होगी एक्चुअल वैल्यू हमारी, और कुछ बेस वैल्यू होगी वो भी हमारी सेम यूनिट में होगी जिसमें कि हमारी एक्चुअल वैल्यू ली गई। तो सपोज करते हैं हम तीन जनरेटर्स हमारे हम लेकर के चलते हैं, जनरेटर वन, जनरेटर टू एंड दिस वन इज जनरेटर थ्री। ये सिंपल हम जनरेटर का केस लेकर के चलते हैं। तो सपोज करते हैं इस वाले जनरेटर का जो हमको वोल्टेज सपोज करते हैं, तो ये हमारा है 15 kV, इस वाले का है 30 kV और इस वाले का है 60 kV। अब बेस निकालने का मतलब पहले तो समझते हैं कि क्या होता है। तो बेस कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो कि कैलकुलेशन को हमारे इजी कर रही होती है, या तो वो सिस्टम में दे रखी होती है, मीन्स इन तीनों वैल्यू में से या तो कोई होगी, या तो हम कोई अलग वैल्यू लेकर के आएंगे और उसको हम बेस मानने की कोशिश करेंगे, या बेस मान करके उससे हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं यहाँ पर हम बेस मानते हैं, तो इसको हम सपोज करते हैं बेस मान लेते हैं, मीन्स अगर हम 15 kV को ऐसे इन जनरल हम देखते हैं कि बेस क्या है, तो 15 kV को अगर बेस मानते हैं, तो बेस मानते हैं तो एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है, इस जनरेटर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 15 kV, और इसकी बेस वैल्यू ऑलरेडी 15 kV है, इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 1, दैट इज नथिंग बट योर पर यूनिट वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस होगी, यूनिट अपॉन यूनिट इक्वल्स टू यूनिटलेस। तो पर यूनिट जो हमारी होती है, ये होती है हमारी यूनिटलेस क्वान्टिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 kV जो एक्चुअल वैल्यू थी, kV यूनिट होगी, 15 kV एक्चुअल वैल्यू थी, और बेस वैल्यू हमने किसको माना था, तीनों ही केस में इस पूरे सिस्टम के लिए, तो वो 15 नीचे लिखा और 1 पर यूनिट आ गया। अब इसका निकालेंगे हम, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी प्लांट 2 की, 30 kV, और बेस वैल्यू हमने 15 को कंसिडर करके रखा हुआ, तो इतनी इसकी वैल्यू होगी हमारी 2। सिमिलरली इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 upon 15 4। तो इससे हमको एक चीज़ तो ये पता चल गई कि पर यूनिट में
क्वांटिटीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रही है, मींस 15 30 या 60 कैलकुलेशन में जो कि इन्वॉल्व होती हैं, इनको ना ले करके कुछ सिंप्लीफाइड 1, 2 और 4 हमें यूज़ करना है। इट मीन्स हमें ये तो समझ में आ गया कि पर यूनिट से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी इजी होने वाली है। अब देखते हैं आगे कैसे होती है, कुछ फॉर्मूला निकालते हैं हम और उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि अच्छा हमारी वैल्यूज़ कैसे। एक बेसिक सा कंसेप्ट हमें समझ में आ गया पर यूनिट का, कि पर यूनिट हमारा सिंप्लीफिकेशन का काम करती है और पर यूनिट जो कि एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू होता है। हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से, सिंपली फार्मूला याद हो जाएगा, बाकी स्टार्ट हम ओम्स लॉ से करते। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V=IR, यहाँ से अगर हमको I निकालना है, सपोज V बेस, I बेस, R बेस, R की जगह हम क्योंकि AC सिस्टम है तो हम जेड बेस लेकर के चलना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेड बेस हम ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर I बेस निकालना है यहाँ पे, तो I बेस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V बेस अपॉन जेड बेस। पहला तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। सेकेंडली P इक्वल्स टू होता है V इंटू I, दैट इज पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। तो P बेस इक्वल्स टू V बेस इंटू I बेस, यहाँ से I बेस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी P बेस अपॉन V बेस। अब क्योंकि हमारे पावर सिस्टम बहुत बड़े होते हैं, सिंपली वॉट में या किलो वॉट में नहीं होते हैं, वो मेगाज में होते हैं, और जो हमारे वोल्टेज लेवल्स होते हैं वो केवीज में होते हैं, किलो वोल्ट में होते हैं, इसलिए कुछ हमको किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। इट मीन्स इन क्वांटिटीज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पावर सिस्टम्स काफ़ी बड़े हैं। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 × 1000 / 1000 × 1000। अगर करते हैं तो देखते हैं हमें वैल्यूज़ क्या मिलती है। तो पावर 1000 × 1000, दैट इज मेगा। तो मेगा और पावर हमको पता है V × I होता है, दैट इज वोल्ट इंटू एम्पियर MVA, दैट इज बेस अपॉन VV × 1000, दैट इज किलो वोल्ट, ये बेस हो जाएगा × 1000। तो ये हमें मिल गया दूसरा फॉर्मूला किसका, IV का। मीन्स अगर हमको बेस करंट कैलकुलेट करनी है, और हमें क्योंकि हमारे पावर स्टेशन या जो भी हमारा पावर सिस्टम होगा उसमें हमको MVAs में वैल्यू मिलेगी और KVs में वैल्यू मिलेगी, तो हम ये एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, हमारे IV दैट इज करंट की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें करंट की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको जनरली ज़रूरत किसकी पड़ेगी, करंट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज और पावर हमारा जनरली गिवन होता है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं, सेम इसी फॉर्मूले पे हमारा कैलकुलेट होता चला जाएगा सारा। तो हम देखते हैं और हम जानते हैं P = V² / Z होता है, ठीक है, दैट इज बेस बेस बेस। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जेड बेस इक्वल्स टू हो जाएगा V² / V बेस। सेम चीज़ यहाँ पर भी रखेंगे, इसको मेगाज में करेंगे कन्वर्ट और इसको हम केवीज में करेंगे, तो 1000 × 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन 1, इसको भी स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है हमारी। तो हम जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो VV × 1000, एक 1000 लिया तो KV भी हो गया और दूसरा लिया, इट मीन्स स्क्वायर पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो KVA बेस का स्क्वायर अपॉन ये, इससे मल्टीप्लाई होकर के हमारा MVA मिल रहा था क्या बेस। इट मीन जेड बेस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा KV बेस का होल स्क्वायर अपॉन MVA बेस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे जेड बेस का, ये हमको याद रखना है फॉर्मूला। और अब हम आगे देखते हैं कि हमें और क्या फॉर्मूला मिलता है, इसको हम लिखे रहने देते हैं। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से डेराइव हुआ ये हमें अब पता चल जाएगा, ये यहाँ से डेराइव हुआ। और अब हम देखते हैं ये बेस वैल्यू थी, इट मीन्स पर यूनिट वैल्यू अगर निकालेंगे, जेड पर यूनिट इक्वल टू हो जाएगा जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, दैट इज जेड एक्चुअल विल बी जेड इन ओम्स, कोई वैल्यू होगी जो कि सपोज करते हैं इम्पीडेंस की वैल्यू हमको दे रखी है 2 ओम, इसको हमको पर यूनिट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम, इस एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करेंगे सम बेस वैल्यू से, कोई भी बेस वैल्यू जो हमने पिक कर रखी होगी या वो सर्किट में दे रखी होगी, और या तो हम बाहर से लेकर के आएंगे, तो दिस अपॉन दिस तो होगा, ये हमें क्लियर हो गया। तो ये एक्चुअल में जेड ओम हो गई, सेम ये वैल्यू अपॉन
जेड बेस। अब यहाँ से हम निकालेंगे और वैल्यू निकलेगी हमारी जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम अपॉन जेड बेस की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो के वी ए बेस का स्क्वायर अपॉन एम वी ए बेस। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमको वैल्यू क्या मिलेगी, जेड इन ओम्स एम वी ए ऊपर जाएगा इन टू एम वी ए अपॉन के वी बेस, के वी बेस का स्क्वायर। यहाँ से एक हमको बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला मिल गया जो कि हमें यूज़ करना है, जेड पर यूनिट का फार्मूला। तो जेड पर यूनिट इक्वल्स टू होता है हमारा जेड इन ओम्स इनटू एम वी ए बेस अपॉन के वी बेस का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें मेमोराइज करना है, ये फार्मूला हमें याद रखना है। इससे पहले का डिस्कशन अगर हम भूल भी जाएंगे तभी भी चलेगा, बट ये फार्मूला हमको याद रखना है। अब यहाँ से एक और फार्मूला आता है, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से हमें अपने बेस को कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगर किसी क्वेश्चन बनाने वाले ने ये पूछ लिया कि आपने तो पर्टिकुलर बेस पे निकाल रखा था बट अब हम आपको नया बेस दे रहे हैं उस पर आप अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके बताओ, तो न्यू बेस की तरफ हम स्विच हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर न्यू बेस पर हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगी ये हम देखना चाहते हैं, ये हम समझना चाहते हैं। मीन्स न्यू बेस की अगर बात करेंगे तो ये चीज़ हमारी बदल जाएगी और हमारी ये चीज़ बदल जाएगी। ओम हमारा ये चीज़ सेम रहेगी, क्यों, एक्चुअल हमारे क्वांटिटी ये वाली जो हमारे पावर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है ये रहेगी, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज से लिखते हैं, इसको अगर हम ओल्ड मान लेते हैं जेड पर यूनिट ओल्ड, और अब हम लेते हैं जेड पर यूनिट न्यू, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, जेड इन ओम्स तो मिलेगा ही और उसके बाद एम वी ए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी ओल्ड हो चुकी हूँ, तो यहाँ पर एम वी ए बेस न्यू अपॉन ए वी बेस न्यू का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिला। अब यहाँ से हमें अगर जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम ये, और यहाँ पर हम जेड पर यूनिट ओल्ड लिख लेते हैं इक्वल्स टू क्या होगा हमारा जेड ओम इनटू एम वी ए बेस ओल्ड अपॉन ए वी बेस ओल्ड का स्क्वायर। इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पर हमारी कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और अब हमें एज इट इज़ मिलेगी वैल्यू। वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, दैट मीन्स जेड पर यूनिट म्यू अपॉन जेड पर यूनिट ओल्ड इक्वल्स टू एम वी ए बेस कौन सी आपकी न्यू अपॉन दिस वैल्यू ए बी बेस न्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी ए बेस ओल्ड अपॉन ए बी बेस स्क्वायर ओल्ड। को और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के साथ ही हमें क्या वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू वेलकम हियर ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा एम वी ए बेस न्यू अपॉन के वी बेस न्यू का स्क्वायर इनटू के वी बेस ओल्ड का स्क्वायर अपॉन एम वी ए बेस ओल्ड, दैट इज इक्वल्स टू जेड पर यूनिट न्यू, और इस ओल्ड को हम इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई कर जेड पर यूनिट ओल्ड, तो ये हमें मिलेगी इक्वेशन जो कि हमें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू हमें क्यों याद रखनी है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। और सिंपली आई बेस की सिंपल कुछ नहीं था, हमारा ओम्स लॉ से ही सारी वैल्यूज़ निकल करके आई थी, पी इक्वल्स टू वी आई से हमारी सारी वैल्यूज निकल के आई थी। इट मीन पावर की इक्वेशन और ओम्स लॉ की इक्वेशन से हमने ये सारी वैल्यूज़ को डिराइव किया, तो ये काफ़ी ईजी है। बट हमें ये दोनों वैल्यूज़ या सिंपली ये वैल्यू हमें या ये वैल्यू हमें मेमोराइज करनी है, याद रखनी है हमेशा, क्योंकि हमें पूरी लाइफ अपने पावर सिस्टम्स के क्वेश्चंस में
ये ज़रूरत पड़ेगी, इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पर यूनिट सिस्टम। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच।